हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। आज मैं शुरू में आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में यानी कि थर्ड ट्रिमेस्टर में प्रेग्नेंट वोमेन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके रिलेटिव में कोई भी प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि समय से पहले डिलीवरी होने के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर उस वीडियो का लिंक डालूंगा, आप यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, और इसी तरह के हमारे खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में यानी कि 7, 8 और 9 महीने में गर्भवती को क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिरी 3 महीने में गर्भवती को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, बल्कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इससे आपके बेबी को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपको प्रेगनेंसी में भी कई सारे दिक्कतें आ सकती है, यहाँ तक कि आपको प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में किस कदर की गर्मी है, अगर इस गर्मी में अपने शरीर में आप पानी की कमी होने देते हैं तो इससे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, आपको अपने दांतों को साफ रखना है। कई स्टडी और रिसर्च में साबित हो चुका है कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में अगर दांतों की गंदगी को साफ नहीं किया जाता है तो गर्भवती को प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपने दांतों को बिल्कुल साफ रखें। नंबर 3, अगर आपने अभी तक पूरे प्रेगनेंसी में फ्लू शॉट या टेटनस का इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिना देर किए अब वैक्सीन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन आपको कई सारे बीमारियों से बचाता है और आपके बेबी को भी फ्यूचर में होने वाली कई सारी बीमारियों से बचाए रखता है। अगर आपने अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है तो फ्लू शॉट और टीडैप, जिसे टीडी वैक्सीन भी बोलते हैं या टेटनस वैक्सीन भी बोलते हैं या डिप्थेरिया वैक्सीन भी उसे कहा जाता है, तो ये 2 वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में। मेक श्योर कि आप इस वैक्सीन को ज़रूर ले लें। नंबर 4, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी 7, 8 या 9 महीने की हो गई है तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने की भी कोशिश करना है, क्योंकि अब आपका किसी वक्त भी कोई भी लेबर पेन हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करना है, यहाँ आपको एक्टिव भी रहना है और रेस्ट करने की भी कोशिश करना है। नंबर 5, आपको प्रीनेटल्स विटामिन भी लेते रहना है। कई सारे प्रेग्नेंट वोमेन करती क्या है कि जैसे ही उनका 6 महीना या 7 महीना होता है तो वो अपना प्रीनेटल्स विटामिन को लेना बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक प्रीनेटल्स विटामिन छोड़ने के लिए नहीं बोला जाता है आपको उन सारे प्रीनेटल्स विटामिन को नहीं छोड़ना है। डॉक्टर्स आपको जितने भी प्रीनेटल विटामिन लिखते हैं ये आपके प्रेगनेंसी के लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप प्रीनेटल विटामिन को जिस टाइम आपको बोला गया है उस टाइम के अनुसार आप इसे लेते रहें, इससे आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में गर्भवती को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कैफीन से दूरी बनाए रखें। आई नो कि कुछ महिलाओं को सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी आप प्रेगनेंसी के दौरान इस आदत से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी आपके लिए ये प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैफीन आपके बेबी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इस कैफीन की मदद से आपके प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम हो सकती है, चाय और कॉफ़ी में या वैसी कोई भी चीज़ जिसमें कैफीन बहुत ही अधिक मात्रा में है पूरे प्रेगनेंसी में आपको उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मेक श्योर कि आप प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ना पिए। आप अपनी इस हैबिट को प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल आप प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी ना पिए। नंबर 2, आपको ट्रैवल या सफ़र प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगर आप इस दौरान सफ़र या ट्रैवल करते हैं तो इससे आपके प्रेगनेंसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 3, आपको इस दौरान किसी भी तरह का ग्रीसी, स्पाइसी या फ्राइड फूड्स को नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना है, मसालेदार चीज़ों को नहीं खाना है, अदरवाइज आपको प्री मैच्योर लेबर पेन भी हो सकता है।
सो मेक श्योर कि आप इस दौरान इन सारे फूड से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। नंबर 4, कुछ महिलाओं का मानना ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल पूरी तरह से मिथ है। आपको ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा नहीं खाना है, प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खा सकते हैं, लेकिन एक बार आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, अदरवाइज़ आपको जैसे डायबिटीज़ हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और भी कई सारे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो आप इन सारे बातों से बिल्कुल बची रहें। नेक्स्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी के काफ़ी करीब आ गई है, इसलिए आपको अपने शरीर के हर एक चेंजेस पे ध्यान देना है, हर एक बदलाव पे आपको नोटिस करते रहना है। अगर आपको किसी भी तरह का लीकेज महसूस होता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल करना है और आपको उनसे इस बारे में बात करना है। किसी भी अनयूजुअल चेंजेस पे आपको नोटिस करना है और इसे अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है, ताकि समय रहते ही उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। सो आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स आपके लिए बहुत ही काम आएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह के हमारे खास वीडियो देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल टेक ज़ैप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक लोगो आ रहा होगा, इसे क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।